सजा चौधरी जी एंड प्रणव वत्स जी, आप लोगों को मैंने गाना देखा अंदर, बहुत मजा आया। सबसे पहले तो उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि एक शानदार सॉन्ग आप लोग बना रहे हैं। इंटरव्यू शुरू करते हैं, मुझे गाने के बारे में सबसे पहले कौन बताएगा? नहीं, मैं चाहूंगी प्रणव ही स्टार्ट्स बिकॉज़ इन्होंने लिखा है, सो गो फॉर इट। ओके, धुआं धुआं टाइटल है, सुन ही रहे होंगे बहुत देर से आप लोग। सो धुआं धुआं बोल के बहुत सारे गाने आए हैं, बट अभी जब ये आएगा तो बस यही याद रहेगा, क्योंकि उस लेवल पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और तैयारी इंसान अपने हिसाब से बेस्ट ही करता है, हर कोई अपना बेस्ट ही करता है, हम लोग भी बेस्ट ही कर रहे हैं अच्छी नीयत के साथ। सो देखिए, होपफुली अच्छा गाना बने जी। त्रिधा, कैसा लगा आपको अंदर शूट कर रही थी आप, कैसा लगा, कैसा अनुभव था? मैं अग्री करूंगी कि मुझे लगता है दिल से नाचना चाहिए, और कोई भी दर्शक जब ये गाना सुनेंगे तो उन्हें भी वैसा ही लगना चाहिए। उन्हें होली पे या कहीं भी कोई भी अच्छे एनवायरनमेंट में ये गाना सुनेंगे तो वो भी अच्छे से नाचेंगे, बस यही मेरी दुआ है। अच्छा प्रणव भाई, हमारी मजबूरी ये है कि हम रिलीज से पहले इसके रशेस नहीं दिखा सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ किस जॉनर का सॉन्ग है, किसने गाया है और लिखा तो ऑब्वियसली आपने। कुछ गाने ना बड़े कैटेगराइज होते हैं, जैसे मैं कह दूंगा कि यार ये क्लब सॉन्ग है, कुछ गाना आप कहते हो पार्टी सॉन्ग है, कुछ गाना कहते हो आप यार आइटम नंबर है। तीनों को मिला दो आप, अब आप तीनों को मिला दो, पार्टी नंबर, आइटम सॉन्ग, दिल से नाचो दिल से गाओ, बस इट्स वेरी हैप्पी सॉन्ग, आप तीनों को मिला दो, हाँ, तो पूरा मसाला है, खिचड़ी है। अच्छा, तो ये तीनों, जब तीनों इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे तो सॉन्ग तो बड़ा धमाकेदार बनेगा। बिल्कुल, जब मैं सुन के नाच सकती हूँ तो आई होप एवरीबॉडी एल्स। आपको कैसा लगा बताओ? मुझे शानदार लगा, रियली मुझे शानदार लगा, सिर्फ कहने के लिए नहीं, पर सही में बड़ा शानदार लगा। मुझे धुन काफी अच्छा लगा इसका, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी लाइक अ डांस नंबर एंड लिरिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने लिखा है तो बिल्कुल, बट डेफिनेटली सबसे अच्छा मुझे लगा इसका जो हुक स्टेप है। मुझे लगता है चाहे इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे या कहीं पे भी, किसी की शादी में भी, क्योंकि वेडिंग सीजन इज ऑन, आई एम श्योर ये गाना जब रिलीज होगा तो सब नाचेंगे इस पे। मतलब धुआं धुआं जो है पूरे माहौल को, धुआं 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 धुआं, बस धुआं धुआं होने वाला है, बस सब आप लोग धुआं धुआं करने वाले हो। ओके प्रणव भाई, थोड़े से जो मेकर्स हैं वो कौन है, आप कैमरे के पीछे की जो टीम है? जी जरूर, धन्यवाद इस सवाल के लिए, क्योंकि पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है, वो हैं तो ये गाना बेहतर बन रहा है। हमारे निर्माता विनोद पालीवाल जी, जो पहली बार निर्माण के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, उनके साथ वृंदा भंडारी जी पुणे से हैं, इवेंट में कई सालों से रही हैं और वो भी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रख रही हैं, इनके साथ अनवर भाई हैं, अनवर शेख जी, तो बड़ी अच्छी टीम है प्रोडक्शन की। बाकी डायरेक्शन में हैं देव थापे और ऋषि कुमार, कोरियोग्राफी भी देव थापे जी की है, मेरा लास्ट गाना भी उन्हीं के साथ था, और गणेश आचार्य जी के साथ एक लंबा वक्त तय किया उन्होंने, शायद ही कोई इंडस्ट्री में ऐसा स्टार हो जिसको देव थापे ने नहीं डांस करवाया हो। म्यूज़िक दिया है विवियन रिचर्ड ने, जो मेरे भाई की तरह हैं, और सिंगर जो अभी है, अभी मैं उनका नाम खुलासा नहीं करूँगा क्योंकि जिस आवाज़ पर यह गाना रिकॉर्ड मतलब शूट हो रहा है वो अभी रेफरेंस है, मतलब बाकी वो सरप्राइज है, एक बड़ी आवाज के साथ ही इसको आगे हम प्रस्तुत करेंगे। धमाका मतलब अभी बाकी है, बम फोड़ने वाले। ओके, आतिथ्य कब आ सकता है सॉन्ग? आपको ये बताया गया कि भाई ये सॉन्ग जो है आप जिसे आप पिक्चराइज कर रहे हैं ये कब तक आ सकता है लोगों के बीच? मुझे लगता है अभी फेस्टिव का माहौल है, चाहे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि होली तक, हमारी कोशिश है कि होली तक हो जाए, होली तक। जी 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 जी। प्रणव भाई, त्रिधा जी के साथ आपने कहा ना कि आप पहला सॉन्ग होगा आपका। जी 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 जी। तो आपको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस आपका क्या था? जी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और जिनके काम को आप सराह चुके हैं, जिन्हें आप अप्रिशिएट कर चुके हैं, आपको उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले, ये सौभाग्य की बात है। ये बात मैं क्या कोई भी कहेगा, मेरी जगह पे कोई भी आप कोई बदल जाएगा, और जिसने आपका काम देख रखा है, आपको सराह चुका है, वो आपके साथ जब काम करता है तो मैं इसको मेरा सौभाग्य मानूंगा, और मैं चाहूंगा ये सौभाग्य मेरे साथ और बार हो, बार बार हो। बोल तो आपके बड़े शानदार होते हैं, मैं पिछले सारे गाने आपके अगर उठा के देख लूं एक के बाद एक, अभी रिसेंटली जिसे आप लोग लॉन्च कर रहे थे जब मैं वहां पे था, जी जी, गणेश जी का जो, मास्टर जी का जो सॉन्ग था मसालेदार, क्या शानदार बोल लिखे हैं आपने। धन्यवाद। उम्मीद हर सॉन्ग से तो होती है प्रणव भाई, इससे कुछ ज्यादा है? नहीं नहीं, उतनी ही है, लेकिन बाकी सबको ज्यादा है, मेरी उतनी है। जी जी जी। अच्छा त्रिधा जी, बेसिकली जब सॉन्ग शूट कर रहे थे आप लोग, उससे पहले की जो कहानी है, कैसे आप तक ये सॉन्ग पहुंचा कि भाई अब त्रिधा चौधरी इस सॉन्ग का हिस्सा होंगी, क्या कहानी है वो? बिल्कुल टीम एफर्ट है, इनके बड़े अच्छे टीम है, तो जब उन्होंने गाना लिखा होगा, किसी को इमेजिन किया होगा, तो प्रणव की टीम ने, आई मीन मेरी टीम से बात की, एंड बस यहाँ यहीं पे हूँ मैं।
अच्छा प्रणव भाई, क्या ये जोड़ी आगे भी कुछ सॉन्ग में रिपीट हो सकती है या बस एक का जो धमाका है वो देखने के बाद डिसाइड होगा सब कुछ? देखिए सही पूछूं तो ये तो मुझे लगता है आप लोग तय कर देंगे, आप इसको हिट करा दीजिए, हम इनसे ज़बरदस्ती कर लेंगे, हम इनसे कहेंगे कि प्लीज़ एक और गाना कर लीजिए और मुझे लगता है कि कर लेंगी ये। जी आप लोगों में से किसी को कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है सॉन्ग से रिलेटेड या और कुछ? पूजा जी मैं काफ़ी हूँ, आप कुछ ऑडियंस को कहना है? त्रिधा जी आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत ह्यूज नंबर में आपके चाहने वाले हैं, दीवाने हैं, उन्हें कुछ कहना चाहती है जाने से पहले इस इंटरव्यू में? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे दर्शकों को मैं और मेरे किरदार अच्छे लगते हैं। बट काफ़ी टाइम मैंने बहुत सीरियस टाइप के काम किए हैं, तो आई थिंक एक म्यूज़िक वीडियो के ज़रिए या फिर जो भी मूवीज़ मेरे इस साल रिलीज़ हो रहे हैं उसके थ्रू से दर्शकों तक और भी ज़्यादा पहुंच पाओ, बस यही मेरी आशा है। कुछ एक प्रोजेक्ट का नाम लेना चाहती हूँ? इट्स विद जियो स्टूडियोज, इतना बोल सकती हूँ मैं। मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगा कि बहुत कम वक्त हुआ इनको आए हुए, लेकिन बहुत कम वक्त में इन्होंने अपनी पकड़ बड़ी मजबूत बनाई है अपने अभिनय के दम पे। तो हम सभी के जहन में जो इनका एक था इमेजिनेशन था, जो इमेज था वो ये था कि यार ये बहुत सीरियस हैं, इनका जो कैरेक्टर है, और मैं मतलब शबाना आज़मी वाले जोन वाले मैं इनको समझ रहा था। बस अभी अपने ही गाने में जब इनको देख रहा हूँ तो दो तीन बार हम लोग भी कन्फर्म कर रहे हैं वही वाली है ना। That's a good one. वही वाली है, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं यही कहने जा रहा हूँ कि हम लोग तो सरप्राइज हुए हैं, यही सेम सरप्राइज पब्लिक भी होने वाली है जो अवतार के साथ ये आ रही है धुआं धुआं में, धुआं 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 गर्ल बनने वाली है ये, यकीन मानिए ये होने वाला है, ये गाना इनका है, ये सच है ये हम सबका। तो मैं बस एक फिलर की तरह हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ एक गाना बढ़िया बनता है तो कंट्रीब्यूशन सबका होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, तब सॉन्ग जो है वो जबरदस्त बन सकता है। त्रिधा जी और प्रणव भाई शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू।